अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जिस न्यू सब्जेक्ट को, कंपलसरी सब्जेक्ट को, वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी हमारे पास दो पार्ट्स में चल रहा है। ये एक सब्जेक्ट है, इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन है हमारे पास जनरल साइंस, और जो पार्ट टू है वो है जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस में आप लोग स्टडी करेंगे जो कंप्लीट हमारे पास साइंसेज है, हमारी एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तमाम साइंसेज जो हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। और जनरल एबिलिटी में जो है वो आप सारी की सारी जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग है, थिंकिंग है, मेंटल एबिलिटीज हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करना है हमने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। पार्ट वन में हमारे पास जर्नल साइंस है जो कि है 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का है, और यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट साइंसेज आ रही हैं वो फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में आगे हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 टॉपिक्स डिफरेंट आ रहे हैं जो कि फिजिकल साइंसेज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने उन सब की स्टडी करनी है। देन वी हैव बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज जो लाइफ साइंसेज हैं उनके बारे में हमने स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रही है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में आपने टोटली जो हमारी एनवायरमेंट है उन साइंसेज की स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें आपके पास एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आ रहा है, एनवायरमेंट आ रहा है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जो पॉपुलेशन प्लानिंग है, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस एनवायरमेंटल साइंसेज है, ये तमाम जो एनवायरमेंटल साइंसेज में चीज़ें रिलेट कर रही हैं उन सबको हमने यहाँ डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास आ रही है फूड साइंसेज। फूड साइंसेज ये अपने नेम से ही काफ़ी इसको रिलेट कर देती है कि जो आपने न्यूट्रिशनल डाइट्स वगैरह, क्वालिटी ऑफ फूड, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन देते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंसेज, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने यहाँ स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है जर्नल साइंस का पार्ट। इस आउटलाइन में आपने जो कंप्लीट हमारी जर्नल साइंस है उसको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो पार्ट टू है वो है हमारे पास 40 मार्क्स का जर्नल एबिलिटी। जर्नल एबिलिटी में आपने जो है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग को देखना है, जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग को देखना है, एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटीज को देखना है, मेंटल एबिलिटीज को देखना है। इस पार्ट को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये जितनी हमारे पास जो मैथ्स है, हमारे पास जो रेशियोज, परसेंटेजेस, एंगल्स, ट्राइंगल्स के, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजिंग, लॉजिकल थिंकिंग, न्यूमरिकल और सोशल एबिलिटीज जो हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर इन्हें अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, जो एक जर्नल मैथ्स होती है हमारे पास, वो इस पार्ट टू में आपके पास जो है वो आपको इसको कवर करना है। ठीक है, सिलेबस आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। दो पार्ट्स हैं हमारे पास, जर्नल साइंस एंड सेकंड वन इज जर्नल एबिलिटी। जर्नल साइंस का पार्ट जो है वो आपके पास 60 मार्क्स का है। ठीक है, और जो जर्नल एबिलिटी का पार्ट है वो आपके पास 40 मार्क्स का, ये 60-40 आपके टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम पार्ट वन में स्टडी कर रहे हैं वो किसकी करने वाले हैं, जर्नल साइंस की। जर्नल साइंस, जो जर्नल साइंस हम पढ़ते हैं, डिफरेंट जर्नल साइंस में हमारे पास जो 5 यूनिट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल साइंसेज। ठीक है, फिजिकल साइंसेज के हम दो पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी आज के लिए। फिजिकल साइंस, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस जो है वो एक्चुअली में क्या है, जो नेचुरल साइंस है, जो हमारा जो नॉन लिविंग सिस्टम है ना, जो हमें फिजिकली हमें नजर आ रहा है, हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंसेज है, स्टोन्स, अर्थ, सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, हमारी यूनिवर्स, इन चीज़ों की जो स्टडी आ रही है वो सारी की सारी हमारी कहाँ पर ऐड हो जाती है, फिजिकल साइंसेज में। यानी जो फिजिकली हमें हमारे सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो इस यूनिवर्स में या इस पूरे सिस्टम में मौजूद हैं। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया, फिजिकल साइंसेज आर ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडी नॉन लिविंग सिस्टम। जो हमारा नॉन लिविंग सिस्टम है, ठीक है, जो एक तरह से एज ए लाइफ हम कंसीडर नहीं करते उसको, जो नॉन लिविंग सिस्टम है उसके जो फंडामेंटल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं फिजिकल वर्ल्ड के, ग्रेविटी ऑफ अर्थ किस तरीके से काम कर रही है, हमारे पास सोलर या ल्यूनर एक्लिप्सिस किस तरीके से हो रहे हैं, जो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हो रहा है, हमारी अर्थ रिवॉल्व किस तरीके से कर रही है, जो स्टार्स या गैलेक्सीज हमारे पास प्रेजेंट हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, एस्ट्रोनॉमी जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, हमारी अर्थ, अर्थ साइंसेज, जो अर्थ क्विक्स आ रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट वेदर्स आ रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, एटॉमिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो फिजिकली मौजूद हैं बट दीज आर नॉट अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, ये सारा का सारा नॉन लिविंग सिस्टम है हमारा,
और इसको हम स्टडी करने वाले हैं किसमें, फिजिकल साइंसेज में, ठीक है। फिजिकल साइंसेज यानी वो साइंसेज जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की साइंसेज हैं। अब इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, किस किस चीज का देखना है हमने, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आ रही है फिजिकल साइंसेज में, ये जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारी पूरी कायनात है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो यूनिवर्स एक्चुअली में क्या है, ये एग्जिस्टेंस है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जो हमारी स्पेस में एनर्जी है, जो पूरा जो डिफरेंट यहाँ पे स्टार्स मौजूद हैं, ये तमाम मिलकर, ये तमाम प्लैनेट्स, ये मिलकर हमारी क्या बना रहे हैं, एक यूनिवर्स बना रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पर मौजूद, जो सिस्टम पूरा एक मौजूद है आपके सोलर सिस्टम, सॉरी यूनिवर्स में हमारे क्या क्या मौजूद है, ब्लैक होल है, हमारे प्लैनेट्स हैं, सन है, गैलेक्सीज हैं, तो इन तमाम चीजों की जो एक एग्जिस्टेंस है, ये सब के सब मिलके क्या बना रही है, एक यूनिवर्स बना रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स को अगर हम देखें तो यूनिवर्स क्या है, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग स्टार्स, planets, space and even empty space, it's the biggest thing there is. ये एक ऐसी चीज है जो हमें बाजार शायद हमारी naked eye से हमें अपनी इस दुनिया से नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, एक biggest thing जो कि वाकई में exist करती है, ठीक है। और इसी की existence की वजह से हम यहाँ पर exist कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स की अगर हम देखा जाए इसके एग्जिस्टेंस को या इसके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह को, इसकी अपीयरेंस को, तो उसको अगर हम डिटेल ओवरव्यू लें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्मिक वेब है इसमें, ठीक है। इसमें वास्ट नेटवर्क है गैलेक्सी फिलामेंट्स का, जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बहुत बेतहाशा गैलेक्सीज यहाँ पर मौजूद हैं डिफरेंट, जो कि एक वेब के तौर पे, वेब आपको आइडिया है जैसे मकड़ी का एक जाल होता है, एक जाल बिछा हुआ है बहुत सारी डिफरेंट गैलेक्सीज का, इस यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत बेतहाशा गैलेक्सीज हैं, ठीक है, काउंटलेस हैं, जिसे अभी तक प्रॉपरली स्टडी भी नहीं किया जा सका कि कितनी गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो ये चीज जो है वो एक कॉस्मिक वेब बना रही है, अगर हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को देखें, गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज अगर हम बात करें कि वेब है, कॉस्मिक वेब है गैलेक्सीज का, तो गैलेक्सीज एक्चुअली में क्या है, गैलेक्सीज जो है वो मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है, कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्स, स्टेलर रिमेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर, ठीक है। डार्क मैटर के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जो स्टार्स हैं उनके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंट गैसेस के ऊपर जो है वो गैलेक्सी हमारी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब बाकी ये चीजें क्या है, ये आप जब फर्दर इन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाते हैं, इनको एक एक चीज को अलग डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको प्रॉपरली इनका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज है। गैलेक्सी क्लस्टर्स जो है वो गैलेक्सीज जो है वो क्लस्टर्स के फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो वास्टली नोन है इन दिस यूनिवर्स। जो सुपर क्लस्टर्स हैं, जो गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं, जिन्हें जो लार्जर सुपर क्लस्टर्स हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास डिफरेंट सब क्लस्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अपीयरेंस की अगर बात कर रहे हैं हम यूनिवर्स की, तो अपीयरेंस में ये दिखने में किस तरीके की आपकी नजर आ रही है, तो ये क्या है, अपीयरेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर की हमने बात कर दी कि ये यूनिवर्स में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, कि इसमें गैलेक्सीज मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट डस्ट है, डार्क मैटर वगैरह मौजूद है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो है वो एक्चुअली में इस तरीके चीज है कि ये डार्क मैटर, डार्क मीन्स ऐसी चीज जो कि नजर नहीं आ रही है, एक बिल्कुल अंधेरी सी अंधेरा, एक ब्लैक मैटर है, डार्क मैटर है, जिसके बारे में आप कुछ खास आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में क्या चीज है, ठीक है, बस एक खला है जो मौजूद है, ठीक है। तो इस ये सब आपकी गैलेक्सीज के अंदर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सब चीजें वहां पे आपकी गैलेक्सी जो यूनिवर्स है उसमें मौजूद है, डिफरेंट गैलेक्सीज, स्टार्स, डार्क मैटर, एनर्जी, डस्ट, गैसेस, ये सब कुछ मौजूद है। इसकी अपीयरेंस की बात की जाए कि ये दिखने में किस तरह के लगती है, अगर एक इसका व्यू देखा जाए तो वो कैसा है कि इसमें जो काउंटलेस स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, जो कि नाइट स्काई अगर हम देखें तो हमें आसमान पे डिफरेंट बहुत सारे सितारे नजर आते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि कुछ गैलेक्सीज या स्टार्स हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं, जो कि हम अपनी
विजिबल आई साइड जो है एक मतलब विजिबल व्यू है जो कि हमें नजर आ रहा है, लेकिन कुछ हैं जो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। अपीयरेंस में एक रात के वक्त अगर आप देखें आसमान की तरफ देखें, सितारों से भरा हुआ होता है, बहुत डिफरेंट आपको गैलेक्सीज और स्टार्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि अभी भी स्टिल विजिबल नहीं होते हैं। अपीयरेंस एक नाइट टाइम स्काई जो है आप उसकी आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन के कम्प्लीटली बिल्कुल ब्लैक स्काई है, वहाँ डिफरेंट स्टार्स और गैलेक्सीज जो है मौजूद हैं। नेब्यूला है, नेब्यूला जो है वो कलरफुल नेब्यूला है जिसमें क्या होता है जो गैस क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, ये सारे के सारे थ्रू द यूनिवर्स मौजूद हैं। ब्लैक होल है, इनविजिबल ब्लैक होल्स भी हैं जिनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, और इसके में जो आप ये कहें कि ये मिस्टीरियस चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक साइंस जो है वो कम्प्लीटली पता नहीं लगा सकी कि ये क्या है। जस्ट इनकी अपीयरेंस की वजह से ब्लैक होल्स हो गए, डार्क मैटर हो गए, इनको ये नाम दिए गए हैं कि वी आर कम्प्लीटली इन डार्क और इन ब्लैक साइड के, हमें इनके बारे में कुछ कम्प्लीट आइडिया अब तक नहीं हो पाया, ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है जो रेजिडुअल हीट्स वगैरह हैं, जो बिग बैंग थ्योरी की जो हीट है उसके बारे में कहा जाता है, जो कॉस्मिक वेव्स वगैरह हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, वो तमाम चीजें इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स की अगर बात की जाए तो ऑर्डिनरी मैटर यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह इसमें मौजूद हैं, डार्क मैटर है जो कि इनविजिबल नॉन ल्यूमिनियस मैटर है, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटेशनल एफर्ट्स के थ्रू ही इसको जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। डार्क एनर्जी है, एक मिस्टीरियस इनविजिबल फोर्स है जिसके बारे में कुछ खास जो है वो अंदाजा नहीं लगा सकता, बस ये एक एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। एंटी मैटर है जो अपोजिट चार्ज है जो डिफरेंट पार्टिकल्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या काउंटर पार्ट कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये तमाम पार्टिकल जो कि बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल हैं या रेडिएशन वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब चीजें मौजूद हैं। प्लाज्मा है जो आयोनाइज्ड गैसेस मौजूद हैं स्टार्स के अंदर, नेबुला है इंटरस्टेलर स्पेसेस में, वो सब चीजें मौजूद हैं। रेडिएशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कॉस्मिक वेव्स हैं, गामा वेव्स हैं, एक्सरे वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये तमाम चीजें जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स के बाद अगर हम यहाँ पे अभी जो जिक्र किया गया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का, अगर आप उसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो ये इस तरह के टॉप जो है वो आपके कभी कभी रिलेट करके आ सकते हैं, डिस्क्राइब अबाउट यूनिवर्स एंड व्हाट यू नो अबाउट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इस टाइप से कुछ भी आपका ना रिलेट करके आ सकता है। तो इन टॉपिक्स को आपने इनको देखना जरूर है, इनके बारे में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ानी है, ठीक है। इन टॉपिक्स के लिए जो बेस्ट चीज अगर मैं आपको अपनी पर्सनल व्यू से सजेस्ट करूं तो आप इनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को जरूर देखें, जो एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। आजकल बहुत सिंपल है, आप इस टाइम में इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्री सर्च नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज पे देख सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्री सर्च करेंगे तो वो जिस तरीके से वहाँ पे आपको फिजिकल पूरी मोशन के साथ डिस्कस किया जाएगा तो आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगी। तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट जर्नल साइंस के लिए जो है वो इन डॉक्यूमेंट्रीज को और ये जो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह होते हैं इन चीज़ों को जरूर स्टडी करें, ठीक है। अच्छा, हम डार्क मैटर की बात कर रहे थे। डार्क मैटर जो है ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है जो रेगुलर मैटर है, जो होल्डिंग गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर जो है, उन सब चीजों को आपस में जो काम हमारे पास हमारी अर्थ करती है ना ग्रेविटी का, ठीक है, वही काम यहाँ पे डार्क मैटर कर रहा है कि इन गैलेक्सीज को जो है वो आपस में स्टक करके उन्हें एक उसने अट्रैक्ट करके एज ए ग्रेविटी जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करके रखता है। इनविजिबल है, डजंट एमिट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग इट इनविजिबल, बिल्कुल डार्क है, डार्क है, इनविजिबल है। गैलेक्सी भी हमारी जो यूनिवर्स है वो भी कम्प्लीटली डार्क है, तो ये भी डार्क मैटर है, इनविजिबल है, उसमें नजर नहीं आता है, ठीक है। ये ना तो एमिट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, और ये सब चीजें जो है इसको जो है वो टोटली इनविजिबल बनाती है, क्योंकि लाइट जिस सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट करती है वही आपको विजिबल होती है, ठीक है। लेकिन जब ये कोई लाइट इमिट भी नहीं कर रहा है, ना कोई लाइट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ना ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज टोटली इनविजिबल। कोलिजनलेस पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह नहीं है, तो इसमें कोई किसी किस्म का कोलिजन भी जो है वो अपेयर नहीं होता है। क्लम्प्स हैं, क्लम्प्स बना लेता है जो इन्फ्लुएंसिंग गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स हैं, लार्ज स्ट्रेक स्ट्रक्चर है, यानी एक गैलेक्सी मूव कर रही है उसके ऊपर दूसरी गैलेक्सी मूव कर रही है, तीसरी मूव कर रही है, चौथी मूव कर रही है, तो ये क्लम्प्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेकअप 20% अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द यूनिवर्स टोटल मास एनर्जी डेंसिटी, जो यूनिवर्स की जो 20% मास एनर्जी डेंसिटी है वो तकरीबन जो है वो डार्क मैटर इसकी बनाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम डार्क एनर्जी को देख रहे हैं तो डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर जो है वो अट्रैक्ट करता है, डार्क एनर्जी क्या करती है, रिपेल करती है, इट पुशेस रेगुलर मैटर अपार्ट ड्राइविंग द एक्सेलरेटिंग। ठीक है, जो एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन होती है इनके अंदर, जो एक फोर्स के साथ मैटर जो है वो इधर उधर मूव कर रहा होता है, तो ये रिपेल करता है। ठीक है, इनविजिबल है, ऑल्सो इनविजिबल एज इट डजंट इंटरेक्ट विद लाइट, ये भी इनविजिबल है क्योंकि ये भी लाइट के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता है। फ्लूइड लाइक है, बिहेव लाइक अ फ्लूइड स्प्रेडिंग इवनली थ्रू आउट द यूनिवर्स। फ्लूइड लाइक एनर्जी है जो कि उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्मूथ है, डजंट फॉर्म क्लब्स ऑफ स्ट्रक्चर, इंस्टेड इट्स डिफ्यूज यूनिफॉर्म प्रेजेंस। ठीक है, ये एक डिफ्यूज यूनिफॉर्म प्रेजेंस है जो कि एक मौजूद है, क्लस्टर फॉर्म नहीं करती है। वो जो डार्क मैटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से एक तरह से काम करता है, गैलेक्सीज को आपस में अट्रैक्ट करता है, एक गैलेक्सी दूसरी से ओवरलैप कर रही है, तीसरी से ओवरलैप कर रही है, वो जब आपस में एक क्लंप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि इसको अगर देखें तो ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का काम जो है उसको एक वो यूनिफॉर्मली उसको इधर उधर मूव कर रही है, उसको क्लंप्स या स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही है, उसको होल्ड करके नहीं रख रही है, बल्कि उसको मूव करने में हेल्प दे रही है। और ये तकरीबन जो हमारी यूनिवर्स है उसका अप्रोक्सीमेटली 68% यूनिवर्स जो है वो टोटल मास एनर्जी डेंसिटी जो है वो क्या है, डार्क एनर्जी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है गैलेक्सी। अब हम अपनी गैलेक्सी को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो गैलेक्सी क्या है, ठीक है, गैलेक्सी इज अ मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम। ठीक है, ग्रेविटेशनली अभी हमने बात की, जिस तरीके से पीछे डार्क मैटर की बात की थी कि डार्क मैटर जो है वो एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पर काम करता है और गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है। ठीक है, मीन्स कि गैलेक्सी जो है वो कोई ऑब्वियसली अगर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज को होल्ड कर रही है तो ऑब्वियसली कोई मैसिव चीज है। ठीक है, और ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है जिन्हें डार्क मैटर ग्रेविटेशनली बाउंड कर रहा है, आपस में क्लंप बना के या उनको स्टक करके रख रहा है। ठीक है, अब ये गैलेक्सी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, सबसे पहले स्टार्स हैं, हंड्रेड और बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं, स्टेलर रेमनेंट्स हैं, वाइट डार्क न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स विच आर रेमनेंट्स ऑफ डेड स्टार्स। रेमनेंट्स मीन्स जो बाकियात वगैरह मौजूद है ना, कोई स्टार्स अगर कोई जो तारे वगैरह कह रहे हैं कि तारे टूट रहे हैं या डिफरेंट जो एक्चुअली में तारे नहीं टूट रहे, ये जो आपस में जो इंटरेक्शन हो जाता है डिफरेंट गैलेक्सीज का और ये जो स्टार्स हैं न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह, तो उनके जो पार्ट्स बचे हुए होते हैं उन्हीं को हम रेमनेंट्स कहते हैं, डेड स्टार्स वगैरह, तो ये सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। जो इंटरस्टेलर मीडियम है यानी गैस डस्ट और दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि स्पेस में मौजूद हैं, स्टार्स के बीच में मौजूद हैं, वो इस गैलेक्सी में मौजूद होते हैं। ठीक है, और डार्क मैटर है जो कि इसे एक इनविजिबल है, इनविजिबल मैटर है, लेकिन ये एडिशनल ग्रेविटेशनल होल्ड देता है गैलेक्सी को। अगर गैलेक्सीज को हम देखें तो ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप्स और साइजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्पाइरल गैलेक्सीज है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज क्या है, ये डिस्क शेप्ड गैलेक्सीज हैं जिनकी स्पाइरल आर्म्स हैं, जिस तरीके से मिल्की वे है जो हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारी अर्थ जो है, हमारी यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रही है, वो मिल्की वे है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, ये एग शेप्ड गैलेक्सीज हैं जिसमें बहुत पुराने स्टार्स मौजूद हैं। इररेगुलर गैलेक्सीज हैं जिसमें कैओटिक हैं, इररेगुलर शेप्स हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट गैलेक्सीज जब आपस में कोलिजन कर रही हैं, एक गैलेक्सी है उसके ऊपर दूसरी गैलेक्सी आई, ओवरलैपिंग हो रही है, क्लंप्स बना रहे हैं, तो ये इररेगुलर गैलेक्सी, उससे एक न्यू गैलेक्सी फॉर्म हो जाती है। डार्क गैलेक्सीज हैं जो कि स्मॉल हैं और उसमें बहुत कम स्टार्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, मिल्की वे की यहाँ पे बात की थी, तो मिल्की वे क्या है, मिल्की वे एक्चुअली में एक स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है 100,000 लाइट ईयर्स वाइड, कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग अवर सन। जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारे प्लैनेट्स जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, वो हमारी मिल्की वे है। ठीक है, मिल्की वे जो है वो नाइट स्काई में विजिबल होती है, इसका हैजी बैंड ऑफ लाइट है और जो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज हैं उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज की हम बात कर रहे थे कि जो टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं वो हमारे पास फोर मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। सबसे पहले आपके पास आ रही है स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, ये किस तरह की है, डिस्क शेप्ड है विद स्पाइरल आर्म्स है, डिस्क शेप गैलेक्सी है, इसकी स्पाइरल आर्म्स है और इसमें जो है वो जो बिल्कुल न्यू स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, जो नेब्यूला वगैरह है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा हमारे पास जो एलिप्टिकल गैलेक्सी है, ठीक है, एलिप्टिकल गैलेक्सी में क्या है, एग शेप्ड है, इसमें कोई स्पाइरल आर्म्स वगैरह मौजूद नहीं है, इसमें ओल्डर रेड स्टार्स मौजूद हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में इसकी MR7 है, NGC 3379 है, डिफरेंट एग्जांपल, ये गैलेक्सीज की एग्जांपल दी है, गैलेक्सीज जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं उनके इन्होंने नाम रखे हुए हैं, तो उन गैलेक्सीज के एग्जाम्पल में यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं कि कौन सी गैलेक्सी की एग्जाम्पल क्या है। इररेगुलर गैलेक्सीज है, ठीक है, इररेगुलर गैलेक्सी में हमारे पास क्योटिक होती है, इररेगुलर शेप होती है, एक गैलेक्सी बनी, दूसरी गैलेक्सी ने उसके साथ आके उसका कोलिजन हुआ तो एक और न्यू गैलेक्सी बन गई, ठीक है। लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज जो है वो कौन सी हैं, डिस्क शेप हैं, इनकी कोई स्पाइरल आर्म्स, स्पाइरल आर्म्स जो है वो नहीं होती हैं, जिस तरह स्पाइरल गैलेक्सीज हैं वो डिस्क शेप होती हैं लेकिन उनकी स्पाइरल आर्म्स जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन जो लेंटिक्यूलर गैलेक्सीज हैं वो डिस्क शेप हैं और इनकी कोई स्पाइरल आर्म्स जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो इसमें जो है वो ओल्ड और यंग स्टार्स दोनों के दोनों मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स इसकी NGC 3115, NGC 5866 मौजूद है। फिफ्थ हमारे पास जो है वो बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जो बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी है उसमें क्या होता है कि जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो डिस्टिंक्टिव बार शेप्ड स्ट्रक्चर है, हैविंग बार शेप्ड कोर, स्पाइरल आर्म, सेंट्रल बल्ज, डिस्क कंपोनेंट। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरीके से है, इसका एक बार शेप बेयर्ड शेप गैलेक्सी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी में देखिए एक सेंटर में डिस्क बनी हुई है, ठीक है, और इसके साइड पे ये आपके पास स्पाइरल आर्म्स हैं, इसमें सेंट्रल बल्ज मौजूद है, डिस्क कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है, ये वाला आप स्ट्रक्चर देखिए बेयर्ड शेप गैलेक्सी के लिए। और जो पिक्यूलर गैलेक्सी है, पिक्यूलर गैलेक्सी जो है इसमें क्या होती है, ये डिस्टॉर्टेड शेप है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप आपको नजर नहीं आ रही है, डिस्टॉर्टेड शेप है, इसमें अनयूजुअल पैटर्न्स है स्टार फॉर्मेशन का, बीच में ये स्टार्स भी बन रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स है, गैप्स है, वो सारे के सारे स्ट्रिप्ड अवे हुए हैं जो इंटरेक्शन हो रहे हैं उसके थ्रू, और इसमें रिंग्स या शेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बन रहे हैं, जैसे रिएक्शन हो रहा है, इसको आप एक कम्प्लीटली शेप या एक कम्प्लीट तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। एलिप्टिकल गैलेक्सी है हमारे पास, एलिप्टिकल गैलेक्सी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग शेप्ड है, ठीक है, और इसकी कोई स्पाइरल आर्म्स जो है वो मौजूद नहीं है। इररेगुलर गैलेक्सी टोटली इररेगुलर है, इसकी भी कोई आपके पास प्रॉपर जो है वो मौजूद नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन जो है वो ये इमर्ज हो रही है। जो लेंटिक्यूलर गैलेक्सी है आप इसको देख सकते हैं, लेंटिकुलर गैलेक्सी में क्या है, ये एक डिस्क शेप्ड गैलेक्सी बनी हुई है, ये देखिए, ठीक है, एक डिस्क शेप्ड गैलेक्सी बनी हुई है और इसकी कोई स्पाइरल आर्म्स जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, जबकि आप ये वाली स्पाइरल गैलेक्सी को देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपरली इसका सब कुछ नजर आ रहा है, इसमें एक डिस्क शेप्ड गैलेक्सी है जिसकी स्पाइरल आर्म्स है, ये देखिए, ये इसकी स्पाइरल आर्म्स बनी हुई है सारी की सारी, ये सारा स्ट्रक्चर जो है आपको इसका नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फोर मेन टाइप्स गैलेक्सीज हैं वो तो मौजूद हैं, और बेयर्ड और पिक्यूलर गैलेक्सीज हैं वो आप ये डिफरेंटली बन रही है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन गैलेक्सीज की जो स्पेसिफिकेशन है वो देख सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं शॉर्टली के कौन सी गैलेक्सी जो है वो किस शेप की है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है लाइट ईयर। लाइट ईयर एक्चुअली में क्या है, जो एक पूरा साल होता है हमारा, कि जितने ड्यूरेशन में एक अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। A light year is a unit of distance, not time, and it's the distance light travels in one year. जो एक ड्यूरेशन है ना, अब हम तो बोल रहे हैं ना हमारा एक साल गुजरता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये लाइट ईयर जो है वो बेसिकली लाइट के बारे में कर रहे हैं कि जितना डिस्टेंस एक लाइट ट्रेवल करती है वन ईयर में वो कहलाता है लाइट ईयर, ठीक है। वन लाइट ईयर जो है वो कितने किलोमीटर तकरीबन का होता है, 9.461 बिलियन किलोमीटर का होता है। डिस्टेंस लाइट जो है वो कितने टाइम में ट्रेवल करती है वन ईयर में, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, यूज टू मेजर वास्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इसको किया जाता है। ये टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। ये आपके MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि लाइट ईयर जो है वो बेसिकली नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम बट डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है, ठीक है। जितना डिस्टेंस कवर करती है एक लाइट ट्रेवल करने के लिए वो क्या कहलाता है, वन लाइट ईयर, और इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बट नॉट यूनिट ऑफ टाइम, ओके। एग्जांपल जो नियरेस्ट स्टार्स हैं, इसमें डिफरेंट स्टार्स का जो डायमीटर उनका लाइट ईयर है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, ये अर्थ है, ठीक है,
और ये सन है, ये पूरा का पूरा जितना डिस्टेंस, ये लाइट का डिस्टेंस जो यहाँ से वन ईयर के अंदर ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है हमारे पास, लाइट ईयर, ये हमारी अर्थ है, ये सन है, और ये डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगी वन ईयर में वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइट ईयर, ठीक है। अब ब्लैक होल्स की बारी आ गई है, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल एक्चुअली में क्या है, रीजन इन स्पेस, स्पेस का एक ऐसा रीजन, ऐसे रीजन की बात की जा रही है जो कि जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, कि इसमें जो लाइट वगैरह इसके आसपास मौजूद है ये सारा कुछ, इवन लाइट भी इसके पास से एस्केप नहीं हो सकती। यहाँ पे जो मैसिव स्टार कोलैप्स हुए हैं या आपस में जिनका कोल्यूजन होता है उसके नतीजे में जो है वो ये ब्लैक होल बना है, ये डिफरेंट इसके बारे में थ्योरीज हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसकी कि इवन लाइट कांट एस्केप फ्रॉम दिस, ठीक है। अब इसके अगर हम पॉइंट्स देखें तो ये इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल पुल जो है इसका वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवेंट हॉरिजॉन है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है कि इधर एक चीज बार जो चीज चलेगी वहां से वापस नहीं आ सकती क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा है। रैप्स स्पेस टाइम बेंड्स लाइट एंड स्पेस अराउंड इट, लाइट टू स्पेस को अपने अराउंड बेंड रखती है। टाइप्स जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक होल्स हैं, स्टेलर है, सुपर मैसिव है, इंटरमीडिएट मैस है, प्राइमोर्डियल है, और ये फॉर्म कैसे हो रही है, फॉर्म्ड फ्रॉम किस तरीके से बनी है, स्टार कोलैप्स और अर्ली यूनिवर्स प्रोसेस, जो बिग बैंग थ्योरी वगैरह है और इन चीजों के बारे में कहा जाता है, जो अर्ली यूनिवर्स प्रोसेस है ये उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बाद ये ब्लैक होल बना, या फिर डिफरेंट जो स्टार्स वगैरह उनका आपस में कोलिजन हुआ, कोलैप्स हुआ, तो उसके नतीजे में ये ब्लैक होल जो है वो फॉर्म हुए। मिस्टीरियस किस वजह से है, स्टिल मच टू बी लर्न अबाउट ब्लैक होल, इसके बारे में अभी भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगाया जा सका है कि ये ब्लैक होल असल में है क्या, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर, तो सोलर सिस्टम हमारे पास हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स मौजूद हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है, सोलर सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड आवर स्टार द सन। सबसे पहला बेसिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि सन जो है वो स्टार है, नॉट अ प्लैनेट, ठीक है, सन एक स्टार है, नॉट अ प्लैनेट। ये बहुत सारे लोग इस चीज को मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, मिस्टेक इन लेते हैं कि ये सन जो है उसको एज ए प्लैनेट ही कंसीडर कर रहे होते हैं, बट सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज बेसिकली अ स्टार, ठीक है। अब सन के अराउंड जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड और स्टार, वो सब के सब हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। सोलर सिस्टम जो है अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना था फ्रॉम ए डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट दैट्स सराउंडेड बाय द यंग सन, ठीक है। इट्स अ वास्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मेनी ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग थ्रू ग्रेविटी एंड अदर फोर्सेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू ग्रेविटी और डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। अब इसमें हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या मौजूद है, सबसे पहले तो हमारे पास सन है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, मैसिव बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। एट प्लैनेट्स है हमारे पास, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये हमारे जो एट प्लैनेट्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ डार्क प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास प्लूटो आता है, एरिस है, और इसके अलावा कुछ दूसरे हैं, मून्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिटिंग द प्लैनेट्स जो कि प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं सोलर सिस्टम में जो एस्ट्रॉइड्स हैं, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बना रहे हैं, कॉमेट्स वगैरह मौजूद हैं जो आइसी बॉडीज हैं, गैस रिलीज कर रही हैं, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल आइसी बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट, जो ओर्ट क्लाउड्स हैं, जो स्फेरिकल शेल हैं ऐसी बॉडीज के जो कि सोलर सिस्टम के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं, या आप डिफरेंट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिफरेंट स्टार बॉडीज हैं, डिफरेंट जो है वो डार्क प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स वगैरह हैं जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सोलर सिस्टम है, इसको याद करने में काफी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को कि इसको याद किस तरीके से किया जाए, तो उसके एक बड़े मजे की रीडल है यहाँ पे, माय वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें इन सब का जो स्टार्टिंग वर्ड है, एम वी ई एम जे एस यू एन, ठीक है, असल चीज हमने इन्हें देखनी है और इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एम फॉर मर्करी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स,
जे फॉर जुपिटर, एस हमारे पास किससे रिलेट कर रहा है, सैटर्न, यू यूरेनस से और एन नेपच्यून से, ठीक है। एम हमारे पास क्या है, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट है मरकरी, वी किसके साथ रिलेट कर रहा है, वीनस के साथ, ई किसके साथ रिलेट कर रहा है, अर्थ के साथ, एम किसके साथ रिलेट कर रहा है, मार्स के साथ, जे किसके साथ रिलेट कर रहा है, जुपिटर, एस सैटर्न, ठीक है, यू यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून, सही है। ये आपने बहुत सिंपली आपको ये सारे के सारे इस एक रिडल से जो है बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। माय वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, और आपके इस तमाम प्लैनेट्स की जो आपको सीक्वेंस है वो इससे पता चल जाएगी। सबसे पहले मरकरी है, नियरेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद आपके पास अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ये सीक्वेंस भी आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगी और आप अपने ये प्लैनेट नेम जो है वो इनको भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब मरकरी की बात हो रही है, सबसे पहले मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सन के बिल्कुल पास मौजूद है मरकरी, ठीक है, सबसे करीब प्लैनेट मौजूद है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इसका डायमीटर गिवन है, रॉकी सरफेस है, हैवीली क्रेटर्ड है, एक्सट्रीमली हॉट है ड्यूरिंग द डे, कोल्ड एट नाइट है, ऑर्बिटल पीरियड इसका 88 अर्थ डेज है। इसके बाद वीनस की बात हो रही है, तो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, ये आपके एमसीक्यूज के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट, विच इज द हॉटेस्ट, विच इज द कोल्डेस्ट, तो ये चीजें आपको जरा अच्छे से याद करनी होंगी, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट है वेनस हमारे पास, टेम्परेचर इसका 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, थिक एटमोसफेयर ट्रैप्स हीट है, रॉकी सरफेस है, स्लो रोटेशन पीरियड इसका 243 अर्थ डेज है और ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 225 अर्थ डेज है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्थ, अर्थ ओनली नॉन प्लैनेट है विद लाइफ है, जितनी इतनी बड़ी यूनिवर्स है हमारे पास मौजूद है तो उसमें सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ मौजूद है, ओनली नॉन प्लैनेट अर्थ, बाकी के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ कोई लाइफ मौजूद है या नहीं है, ठीक है। रॉकी सरफेस है, 71% वाटर है, एटमोसफियर सपोर्ट्स लाइफ, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, मॉडरेट टेम्परेचर है, ठीक है, रेंज इसकी 89 टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑर्बिटल पीरियड इसका जो है वो 365.25 अर्थ डेज है जिसमें हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मार्स है, ये इसको कहा जाता है रेड प्लैनेट, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। रॉकी सरफेस है, बैरन लैंडस्केप है, थिन एटमॉस्फेयर है, कोल्ड टेम्परेचर 125 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, पोटेंशियल फॉर पास्ट प्रेजेंट लाइफ है, ठीक है, मतलब इसके अंदर या तो इसमें इस तरह का प्लैनेट है कि या तो यहाँ पर पहले लाइफ मौजूद थी या फिर अभी मौजूद है, इसके बारे में आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मे बी। ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 687 अर्थ डेज है। जुपिटर है, जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये या आपको याद रखना है, गैस जाइंट है, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ प्रेजेंट है, ज्यादा गैसेस जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है, मैसिव स्टॉर्म्स हैं, ग्रेट रेड स्पॉट मौजूद है, 79 नोन मून्स हैं यहाँ पर मौजूद, ये आपके एमसीक्यूज के लिए से पॉइंट रिलेट कर रहा है। ऑर्बिटल पीरियड जो है वो इसके 11.86 इयर्स है, ठीक है। इसके बाद आ रही है टर्न सैटर्न की, सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गैस जॉइंट है, फेमस रिंग सिस्टम है, 62 नोन मून्स हैं, कंपोजिशन इसकी जो है वो मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है, ऑर्बिटल पीरियड इसका 29.5 अर्थ ईयर्स है। इसके बाद हम बात करें यूरेनस की, यूरेनस जो है वो आइस जॉइंट कहलाता है, ठीक है, टिल्टेड एक्सिस इसका 98 डिग्री है, तकरीबन 98 डिग्री पे टिल्ट है। जो इसका एटमॉस्फेयर है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, -224 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई लाइफ यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इतना ज़्यादा हैवी टेम्परेचर, इतना एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है यहाँ का, 27 नोन मून्स हैं और ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 84 अर्थ ईयर्स हैं। नेपच्यून है लास्ट हमारे पास, नेपच्यून जो है वो फार्थेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर एक कोने पर बैठा हुआ ये फार्थेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो इसका जो आइस जॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स जो है इसकी 2100 किलोमीटर पर आवर है, कंपोजिशन जो है इसमें वाटर अमोनिया मिथेन आइसेस हैं, 14 नोन मून्स और ऑर्बिटल पीरियड जो है इसका 165 अर्थ ईयर्स हैं, ठीक है जी। अब सोलर, इसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बाद हम अपनी अर्थ के ऊपर आ रहे हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर, कंस्टिट्यूएंट्स और इसके बारे में हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखते हैं। अर्थ है, अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन, ठीक है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको एक रिडल अभी करवाई थी ना, माय वेरी एक्सीलेंट मदर, माय हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा था, मरकरी, ठीक है, फर्थ क्लोजेस्ट प्लैनेट,
वेरी वीनस सेकेंड, अर्थ थर्ड, अर्थ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अगर आप इसे इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपका प्लैनेट्स का जो ये वाला कंसेप्ट आपने करना है ना क्लियर, के विच इज द नियरेस्ट, विच इज द फार्देस्ट, विच इज द थर्ड वन, विच इज द फोर्थ वन, विच इज द सेकेंड वन, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से इससे इस रिडल के थ्रू याद हो जाएगा। तो इससे आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से माइंड में बिठा लें, आपको तमाम प्लैनेट्स के नेम विद देयर सीक्वेंस याद हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज में ये पॉइंट्स भी काफी हद तक अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन से, ओनली नॉन प्लैनेट है, 71% यहाँ पे वाटर कवरेज है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, डायमीटर जो है इसका 1 to 742 किलोमीटर है, जो इसका 365.25 डेज है वो इसमें तकरीबन ये रोटेट करती है, स्पीशीज हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन मौजूद है, इकोसिस्टम मौजूद है यहाँ पे डाइवर्स। इसके अलावा इसका रिमार्केबल प्लैनेट है यूनिवर्स का, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, ओनली नॉन प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ के बारे में मोस्टली जो अपने स्टडी की हुई है उसी लिहाज से ये। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आप यहाँ से अच्छे से आपको समझ में आएगा कि अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले तो इसका अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट यानी कि जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, कंपोज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट, जो ये आपके पास अर्थ की आपको ये सर्फेस नजर आ रही है सारी, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है। उसके बाद आपके पास है मेंटल, जो मिडल लेयर है, ठीक है, ये वाली मिडल लेयर है, 2900 किलोमीटर थिक है, हॉट है, विस्कस रॉक है, और इसमें जो है वो अपर एंड लोअर मेंटल के ऊपर ये डिवाइड होता है। इसके बाद आ रहा है आपके पास आउटर कोर, आउटर कोर जो है वो क्या है, ये वाला एरिया है, ठीक है, लिक्विड आयरन और निकल से बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिक्विड आयरन निकल एलॉय इससे बना हुआ है, टेम्परेचर इसका 4000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जनरेट करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, जो ये हमारा आउटर कोर है। आउटर कोर के बाद हमारे पास आ रहा है हमारा कौन सा, अर्थ का इनर कोर, इनर कोर जो है वो सॉलिड आयरन और निकल से बना हुआ है, निकल अलॉय है, 1220 किलोमीटर थिक, ठीक है, 1220 किलोमीटर थिक है ऑलमोस्ट, इसका टेम्परेचर 5000 टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये वाला इनर पार्ट। इसके अलावा अगर हम अपने अर्थ के बाकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो गैसियस लेयर है यहाँ पे, जो गैसेस सराउंड कर रही हैं हमारी अर्थ को, जिनकी मदद से हम इसके अर्थ क्रस्ट पे सरफेस पे जो ह्यूमन लाइफ मौजूद है वो सांस ले पा रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो ये वाली एक लेयर है, इसकी वजह से, इसकी प्रोटेक्शन की वजह से जो हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं उनसे ये बचाता है, और जो अर्थ की जो गैसियस रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर रहा होता है एटमॉस्फेयर। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बेसिकली क्या है, अर्थ का जो वाटर सिस्टम है, ये ब्लू कलर में जो आपको अपनी अर्थ के ऊपर नजर आ रहा है, ये सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर है, इसमें ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, आइस वगैरह जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जो फलकियाती इकाइयां आप कह सकते हो इसको, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हो उनका कितना डिस्टेंस है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कितना डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर है, इतना लाइट ईयर, इतना ये, इतना ये, तो ये इन चीज़ों को, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें लेंथ है हमारे पास, ठीक है, लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एवरेज अर्थ सन डिस्टेंस है, ठीक है, वन लाइट ईयर है, पार्सेक है, मास है, सोलर मास है, अर्थ मास है, टाइम जूलियन ईयर होता है, गैलेक्टिक ईयर होता है, अदर यूनिट्स मैग्नीट्यूड हो गया, फ्लक्स डेंसिटी हो गई, तो ये सारे यूनिट्स हैं वो आपने इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के दरमियान का जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, और इसी को लेते हुए हम सारे जो बाकी डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं या डिफरेंट यूनिट्स हैं, जितनी टर्म्स हैं उनको हम स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखिए सन, सन को इन्होंने एक्सप्लेन दिखाया हुआ है, ठीक है, सन, और सन के बाद आगे क्या आ रहा है, अर्थ, ठीक है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या है, जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस आ रहा है वो कहलाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, और इसी के थ्रू फिर आप डिफरेंट लेंथ, मास, टाइम और दूसरे यूनिट्स को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो फिजिकल साइंसेज हैं, पहले हमने कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर वगैरह देखे, जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है,
हमारी अर्थ मौजूद है, मिल्की वे है, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन को स्टडी कर लिया. अब सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर वो क्या है, प्रोसेस ऑफ नेचर. तो प्रोसेस ऑफ नेचर, अब नेचर प्रोसेस किस तरीके से कर लिया हमने, अर्थ के बारे में पढ़ लिया, अर्थ है, मून है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स मौजूद है, सन है, सोलर सिस्टम है, लेकिन ये सब चीजें यहाँ पे अफेक्ट किस तरह हो रही हैं, इनका प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है. एक नेचर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है. हमने कहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस की बात की थी, अर्थ पे. ठीक है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, हम सबको मालूम है. लेकिन अब यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्टेंस में कोई प्रोसेस ऑफ नेचर भी यहाँ यकीनन चल रहा होगा. ठीक है, तो अब जो फिजिकल साइंसेज है हम पहले वहां से स्टार्ट करेंगे कि उनमें पहला प्रोसेस हम किसके बारे में देखने लगे हैं यहाँ पे, सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस के बारे में. ठीक है, जो चांद किरण और सूरज किरण वगैरह होते हैं, सोलर एक्लिप्स होता है हमारे पास सूरज किरण. ठीक है, और जो लूनर एक्लिप्स है वो हमारे पास है कौन सा, चांद किरण है. ठीक है, अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने सोलर इक्लिप्स की. तो सबसे पहले हमारे पास है सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स मीन्स जो भी बात की, चांद किरण. ठीक है, सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा है, सोलर इक्लिप्स जो है वो कब होता है, जब मून पास होता है किससे, मून सन और अर्थ के दरमियान में आ जाता है. ठीक है, मून किसके दरमियान में आ रहा है, सन और अर्थ के दरमियान में आ रहा है. टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सिस अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. ठीक है, पार्शियल भी होता है, इसमें हमारे पास एन्युलर भी होता है, और टोटल एक्लिप्स. टोटल एक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो है वो एंटायरली कवर कर देता है सन को. ठीक है, सिर्फ सन का जो कोरोना है वो नजर आ रहा होता है. ठीक है, टोटल एक्लिप्स है जिसमें मून ने जो है वो सन को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, और अर्थ सरफेस से आपको जस्ट इसका एक जो कोरोना है सन का, जो उसकी आउटर लाइन है वो आपको नजर आ रही है. एन्युलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है वो बहुत छोटा सा अपीयर हो रहा होता है और जो रिंग ऑफ लाइट है उसे छोड़ रहा होता है, जबकि जो आपके पास पार्शियल एक्लिप्स है उसमें क्या होता है कि मून जो है वो पार्शियली कवर करता है सन को. ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहे हैं. फेजेज है, फर्स्टली जो है फेजेज ऑफ सोलर एक्लिप्स की बात करें तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि मून जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है सन की कवरिंग. सेकेंड कॉन्टेक्ट में जो है वो क्या करता है, मून फुली कवर कर देता है सन को टोटलिटी. फिर मैक्सिमम एक्लिप्स क्या होता है कि पीक ऑफ एक्लिप्स है, कम्प्लीटली कवर कर दिया है मून ने सन को. और उसके बाद थर्ड कॉन्टेक्ट में क्या होता है, मून स्टार्ट मूविंग अवे. और फोर्थ कॉन्टेक्ट में क्या है कि मून कम्प्लीटली उससे दूर हो जाता है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लूनर एक्लिप्स की. तो लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि लूनर एक्लिप्स में जो अर्थ है वो मून और सन के मिड में आ रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन और मून के मिड में कौन आ रहा है, अर्थ आ रही है. और टाइप्स अगर हम देखें लूनर एक्लिप्स की तो हमारे पास पी नंबरल है, पार्शियल है और टोटल है. टोटल लूनर एक्लिप्स में क्या हो रहा है कि अर्थ का शेडो आ जाता है, कम्प्लीटली कवर कर देती है मून को. ठीक है, अर्थ कम्प्लीटली मून को कवर कर रही है. जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है उसमें अर्थ शेडो जो है वो पार्शियली कवर कर देता है मून को, हाफ कवर हो रहा है. और पी नंबर जो लूनर एक्लिप्स है उसमें क्या हो रहा है कि अर्थ जो है वो पार्शियल शेडो अफेक्ट कर रहा है मून को. ये तीनों के तीनों फेजेस आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं. ठीक है, और फेजेस यही जो भी बताया आपको, मैक्सिमम किस तरह से होगा कि अर्थ जो है पहले पार्शियली उसके मून के पास पर शेडो जाएगा, देन उसके बाद शेडो जो है वो मून को कवर करना स्टार्ट कर देगा, और टोटल में जो है वो अर्थ शेडो कम्प्लीटली कवर कर देगा मून को. और मैक्सिमम में क्या होगा के पीक ऑफ एक्लिप्स होगा. अब विजिबिलिटीज की क्या है, जो विजिबल होता है नाइट साइड से जो है वो आपको हर जगह से नजर आ सकता है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, और नेकेड आइज इसको देख सकते हैं. लेकिन सोलर एक्लिप्स में ऐसा नहीं होता है, उधर आपको बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो लेने पड़ते हैं और नेकेड आइज आप उसको नहीं देख सकते. कंपेरिजन अगर देखा जाए सोलर और लूनर एक्लिप्स का, तो फ्रिक्वेंसी सोलर एक्लिप्स की है कि दो से पांच बार होता है एक साल में, और लूनर एक्लिप्स जो है वो दो से तीन बार होता है. विजिबिलिटी क्या है, लिमिटेड पाथ ऑन अर्थ होता है, जबकि लूनर एक्लिप्स की जो है वो ग्लोबल विजिबिलिटी होती है. सोलर एक्लिप्स में सिर्फ उसी किसी स्पेसिफिक जगहों पर ही नजर आ रहा होता है, हर जगह पे नजर नहीं आता, जबकि जो लूनर एक्लिप्स है वो उसकी विजिबिलिटी ग्लोबल है. सेफ्टी क्या है, स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है सोलर एक्लिप्स के लिए, जबकि लूनर एक्लिप्स जो है वो सेफ टू व्यू है.
ड्यूरेशन इसका फ्यू मिनट्स रहता है, जबकि लूनर एक्लिप्स का जो है वो सेवरल आवर्स तक जाता है। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ एक्चुअली में क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस। कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती है? रोटेशन, ठीक है। अर्थ जो है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। रोटेशन पीरियड जो है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड्स है। इक्वेटोरियल रोटेशन वेलोसिटी इसकी इतनी है और एक्स एक्सिस जो है वो टिल्ट होता है 23.5 पे। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या है? जो डे एंड नाइट साइकिल्स हैं वो आते हैं, वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेटिक जोन होते हैं, ओशियन करंट्स और टाइड्स बनते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट्स होते हैं जो ग्लोबल विंड पैटर्न्स वगैरह वो सारे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ की अपने एक्सिस में रोटेशन हो रही है, ये वाली एक ही पॉइंट पे मौजूद है, एक पॉइंट पे मौजूद है और ये घूमे जा रही है। जिस तरीके से आप एक लट्टू को देख लें जो होता है, उसे अगर आप घुमाएं तो अपने ही एक्सिस के ऊपर राउंड एंड राउंड राउंड जो मूव कर रहा है वो क्या कहलाती है? उसकी रोटेशन, ठीक है। तो ये अर्थ क्या कर रही है? अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है और ये रोटेशन जो है इसकी डे नाइट सर्कुलेशन, वेदर चेंजिंग, इन सब चीजों को क्लियर करती है, ठीक है। अब रोटेशन के बाद हम बात करें रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एक्चुअली में क्या है? जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट है अराउंड द सन। अब जो हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये प्लैनेट हमारा सन है मौजूद है और सन के अराउंड ये अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स की जो मूवमेंट चल रही है ये वाली, ये सर्कल में, ये क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन, ठीक है। ये रेवोल्यूशन हो रही है और ये जिस तरीके से अर्थ, ये अर्थ मूव कर रही है, सन मूव कर रहे हैं, ये इनकी रोटेशन है। दिस वन इज रोटेशन एंड दिस इज रेवोल्यूशन, ओके। इस पॉइंट को आपने क्लियर रखना है कि बेसिकली रोटेशन क्या चीज है और रेवोल्यूशन क्या चीज है। रोटेशन इज जस्ट अराउंड द एक्सिस, जो उसका एक्सिस है उसी पे मूव करना इसकी रोटेशन है, लेकिन रेवोल्यूशन क्या है कि अराउंड द सन, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज रेवोल्यूशन। की फर्क क्या है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड तकरीबन इलेप्टिकल पाथ में घूमती है, एक अपना उसका एक पाथ है, तमाम के तमाम अपने एक स्पेशल पाथ में घूम रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, सब अपने अपने इलेप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ऑर्बिटल पीरियड 365.25 डेज है, जो कि हम पूरा एक साल काउंट करते हैं सोलर ईयर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या है कि इसकी वजह से सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर होता है, अर्थ डिस्टेंस जो सन के साथ वो उसके क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करता है, जो प्लेनेटरी अलाइनमेंट है उनके ऊपर करता है, ठीक है। रोटेशन और रोटेशन का जो की डिफरेंस है, रोटेशन में क्या होती है कि मूवमेंट ऑन एक्सिस है, रेवोल्यूशन में मूवमेंट अराउंड द सन है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया, रोटेशन ऑन एक्सिस, मूवमेंट ऑन एक्सिस, ये क्या है? रोटेशन, और मूवमेंट अराउंड द सन, दिस इज रेवोल्यूशन। रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है, रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो 365.2 डेज है, यानी रोटेशन पीरियड जो है वो क्या है? 24 आवर्स, यानी कि एक दिन का, और रेवोल्यूशन पीरियड जो है वो कम्प्लीटली क्या है? 365 डेज। रोटेशन अफेक्ट करती है डे नाइट को, जबकि रेवोल्यूशन अफेक्ट करती है सीजन्स को। अब वेदर वेरिएबल्स और वेदर वेरिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। वेदर वेरिएबल्स जो है हमारे पास क्या है? जैसे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, सर्कुलेशंस हो गई, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, ये तमाम चीजें जो हमारे पास वेदर वेरिएबल्स हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होती हैं, वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, जो वेदर को इन्फ्लुएंस कर रही है वो हमारे पास आ रहे हैं एज ए वेदर वेरिएबल्स, ठीक है। वेदर वेरिएबल्स है, देखें जैसे यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ओशियन से एवपोरेशन हो रही है, ओशियन प्रेसिपिटेशन हो रही है, सरफेस फ्लो है, वाटर किस तरीके से आ रहा है, लैंड प्रेसिपिटेशन हो रही है, जो मॉइस्चर वगैरह है वो किस तरीके से, जो हमारा पूरा साइकिल चल रहा है, ये किस चीज की वजह से आ रहा है? वेदर वेरिएबल्स की वजह से। लेकिन वेदर वेरिएशंस जो है वो क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि विद टाइम क्या सिचुएशन हो रही है, जो एक नॉर्मल हमारा साइकिल चल रहा होता है ना, कि वाटर है, रेनिंग हुई, अब सनलाइट है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कुछ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कह रही हूँ सॉरी, हमारा जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेशन हुई, जो एक नॉर्मल साइकिल, जो वाटर साइकिल जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, कोल्ड ब्रीज होगी, थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, ऑपरेशन हो रही है,
तो डिफरेंट जो हम अपने वाटर साइकिल के जो फैक्ट्स पढ़ते हैं ना, वो सारे हमारे वेदर वेरिएबल्स में आते हैं। लेकिन वेदर वेरिएशंस में क्या आता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज आ रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का ओवर टाइम एंड स्पेस, जैसे कि एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है, क्लाउड्स हैं, फॉग बन रही है, मिस्ट है, हेज बन रहा है, ये सब चीजें, प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस हैं, गर्मियां है तो बारिश हो रही है, सर्दियां है तो उसी बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी होना शुरू हो गई है, यालाबारी हो रही है, हेल्स गिर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो है वो, या जो सीवियर वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स बन रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो सब किस में आ जाती है हमारे पास, वेदर वेरिएशंस में, ठीक है। इस पिक्चर से आपको आइडिया हो रहा होगा, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे जो है वो हेज शो हो रही है, कहीं पे थंडर स्टॉर्म है, जो डिफरेंट तरह के जो टॉर्नेडोज बन रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है वेदर वेरिएशंस को शो करती हैं, ठीक है। तो या आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था, आप इन दो टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इनको एक बार लेक्चर को रिव्यू करें, या पॉज करके आप नोट्स लेना चाहें तो आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। कोई इसके अलावा कोई फर्दर चीज जो आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल साइंसेज के बाकी तीन टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हम एक एक करके अपने बाकी जनरल साइंस के डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर जो है वो आएंगे। उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।